नमस्कार 22 जुलाई 22 खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। कैबिनेट मंत्री रंजीत सिंह चौटाला किसान आंदोलन पर बोलते हुए कहा कि बहुत से सांसदों और विधायकों को तीन कृषि कानूनों में क्या था इसकी जानकारी नहीं है। बात चली कि ये कृषि कानून किसानों के खिलाफ है तो आंदोलन चला, इसमें प्रदेश सरकार का कोई लेन देन नहीं था। केंद्र सरकार कानून लेकर आई थी और सरकार ने कानूनों को वापस ले भी लिया। किसानों के हालात पर बोलते हुए कहा है कि अमेरिका जापान जैसे विकसित देशों में 70% लोग खेती करते हैं जबकि भारत और पाकिस्तान में 70% लोग कृषि करते हैं और किसानों के पास जमीन भी कम है, उनसे ज़्यादा एक रेहड़ी वाला कमाता है। अगर किसान के पास दूसरा विकल्प हो तो वे खेती नहीं करेगा। तो वही जेजेपी के संयोजक अजय सिंह चौटाला ने इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला पर जमकर निशाना साधा। अभय चौटाला के सीएम वाले बयान पर तंज कसते हुए अजय सिंह चौटाला ने कहा कि 46 विधायकों से मुख्यमंत्री बनते हैं, इनेलो के पास तो महज एक विधायक है। अजय सिंह चौटाला ने कहा कि अभय चौटाला खबरों में बने रहने के लिए ऐसे बयान देते हैं, अगर ऐसे बयान ना दे तो टीवी में कैसे दिखाई देंगे। साथ ही कहा कि जो आधारहीन हो उसे कहने का क्या फायदा। बता दें कि शनिवार को मंडी डवानी में अभय सिंह चौटाला ने इनेलो कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा था कि वे इनेलो के सीएम कैंडिडेट हैं और उनकी लड़ाई विधायक ने मुख्यमंत्री बदलने की है। 46 विधायकों से इनेलो में एक विधायक है, जो बात आधारहीन हो उनको करने से लाभ क्या होता है। तो बने रहो, रोज आज बन जाए रुके को सीएम का कैंडिडेट खुद ने घोषित करना है, खुद ने बनना है बना लो। कैंडिडेट घोषित होने से तो सीएम नहीं बनता ना कोई। तो भैया ये उनको तुम्हारी इन न्यूज़पेपर वाले ये न्यूज़ चैनल वाले तभी दिखाएंगे ना जब वो इस तरह की आधारहीन बात करेंगे। तो वही पंजाब के बाद अब आम आदमी पार्टी का हरियाणा निशाना हो चुका है। ग्रामीण स्तर पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नुक्कड़ जनसभा कर लोगों को पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे हैं। रतिया के कमाना गांव में भिन्न भिन्न पार्टियां छोड़ 5 दर्जन से भी ज़्यादा लोग आम आदमी पार्टी में शामिल हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं का कहना है कि पहले दिल्ली फिर पंजाब अब हरियाणा करेंगे फतेह और पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर कर रहे हैं तैयारियाँ। आज ईमानदार पार्टी आम आदमी पार्टी का आगाज हुआ है। जैसे हरियाणा की राजनीति जीन से चलती है तो आम आदमी पार्टी रतिया की राजनीति आज से बहुत ज्यादा स्पीड से चल रही है। तो ज्वाइनिंग हुई आज? हाँ जी, ज्वाइनिंग किया लोगों ने यहाँ पे? आज लगभग 70-80 नौजवान लड़कों ने ज्वाइनिंग की है जो कि ईमानदार पार्टी के साथ जुड़े हैं, जो कि एक नया आगाज एक नया संगठन खड़ा करना चाहते हैं ताकि पंजाब में जिस तरह ईमानदार राजनीति ने जन्म ले लिया है उसी तरह आज से कमाना में और हरियाणा के अंदर भी ईमानदार पार्टी की मुहिम चल पड़ी है। अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां देश के 1000 से ज्यादा हस्तशिल्प कलाकार अपनी कला का जोहर दिखा रहे हैं, विदेशों के कलाकार भी अपनी कला का प्रदर्शन करने में पीछे नहीं है। तुर्की से आए कलाकारों की कला लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। इन स्टॉल पर मोरोकन और इटालियन ग्लास से निर्मित फैंसी लैम्प और झूमर के अलावा सेरेमिकी से निर्मित शोपीस भी यहाँ पर बेहतरीन कला के नमूने हैं जिन्हें लोग खरीदने में जुटे हुए हैं। ये शोपीस इतने खूबसूरत है कि इन्हें दूर से ही देखकर मेले में आए दर्शक यहाँ पर स्टॉल की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। तुर्की के इस स्टॉल के मैनेजर JM तिवारी ने बताया है कि उनके यहाँ बिजली के लैंप और झूमर मौजूद हैं जिनकी कीमत 500 रुपये से लेकर 50,000 तक की है। उन्होंने बताया है कि 2 साल बाद लगने वाले इस मेले में लोग इस हैंडीक्राफ्ट को खरीदने के लिए बहुत उत्सुक नजर आ रहे हैं। JN तिवारी जी, कौन से स्टॉल है ये? 2 साल बाद फिर से मौका लगा है। ये टर्की का स्टॉल है। इस प्रोडक्ट को बहुत लोग इंतजार कर रहे थे 2 साल से कि कब यहाँ मिलेगा, क्योंकि ये फेमस है टर्की का, ये हैंडीक्राफ्ट है और
ये लाइट और सैंडलेयर्स और सेरामिक हैंडीक्राफ्ट के लिए प्रगति मैदान से लेके सूरज कुंड मेले के लोग वेट में रहते हैं कि कब ये आएगा। ये दो साल बाद हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलने का हमें भी उम्मीद है और कस्टमर को हम देख रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं कि वो बहुत पसंद कर रहे हैं। जो एक बार आइटम्स का बता दीजिए, क्या क्या आइटम्स होती है, किस मटेरियल से बनती है? हमारे यहाँ शोपीस में सेरामिक का आइटम है और ये ग्लास सैंडलेयर्स लैंप है, झूमर है, ये सारे हैं। बिजली से लाइटिंग करते हैं? हाँ, बिजली से लाइटिंग है जो पूरे हैंडीक्राफ्ट। केतल की बेटी कीर्ति ढुल ने जॉर्डन में आयोजित एशियाई यूथ मुक्केबाज में अपना दम दिखाया और कांस्य पदक जीता है। आपको बता दें कि केतल पहुंचने पर कीर्ति का भव्य स्वागत किया गया। कीर्ति ने सेमीफाइनल में तजिकिस्तान की मुक्केबाज को हराकर फाइनल्स में अपनी जगह बनाई और कांस्य पदक अपने नाम किया। कीर्ति ने जीत का श्रेय अपने कोच के साथ साथ माता पिता को दिया है। कीर्ति ने इससे पहले जूनियर एशियाई बॉक्सिंग कैंप दुबई में स्वर्ण पदक जीता था। मैंने 81 प्लस में बॉक्सिंग में पार्ट लिया था और मेरी प्रतियोगिता अमान जॉर्डन में हुई। मेरा फाइनल मुकाबला उज़्बेकिस्तान के साथ था। अच्छा। मेरी पोजीशन सेकंड आई है। मेरा श्रेय पहले तो मेरे सारे कोचेस को जाता है, गुरमीत सर, विक्रम सर, राजेंद्र सर, बाकी मेरी नेशनल कोच अमरनप्रीत मैम, उन्हें जाता है, मेरी फैमिली को जाता है। भाई देखो, ये बेटियाँ पूरे कैथल शहर की बेटियाँ, पूरे हरियाणा की बेटियाँ, पूरी हिंदुस्तान की बेटियाँ, जिन्होंने हिंदुस्तान का नेतृत्व किया जा करके अपने विदेश में स्पोर्ट क्षेत्र में, और मेडल लेके लौटी है लड़की, दूसरी बार मेडल लेके आई है और हमें बहुत ज़्यादा खुशी है। और उससे भी ज़्यादा मुझे ये खुशी है कि आप पूरा देखो, पूरी कैथल, पूरी डिस्ट्रिक्ट की फैमिली खड़ी है, चाहे मीडिया रिपोर्टर लगा लो, चाहे स्पोर्ट्स से जुड़े हो कोई भी आदमी लगा लो, समाज सेवी लोग, आज सारे स्वागत के लिए बेटियाँ के आए हो। खबरों में आगे बढ़ते, अंबाला के शहरी इलाकों में पिछले एक साल से पंडित केदारनाथ शर्मा हॉस्पिटल और चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से निशुल्क मेडिकल जांच कैंप लगवाया जा रहा है, लेकिन अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी निशुल्क जांच और इलाज कैंप की शुरुआत हो चुकी है। आज अंबाला के गांव जलबेड़ा में निशुल्क मेडिकल और रक्त जांच और ई सेवा कैंप लगाया गया, जिससे अंबाला की मेयर शक्ति रानी शर्मा पहुंची। मेयर शक्ति रानी शर्मा ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में मेडिकल चेकअप और स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की ज्यादा जरूरत है। इन कैंप में स्पेशलिस्ट डॉक्टर लोगों का चेकअप कर रहे हैं, साथ ही डॉक्टर की सलाह पर जरूरतमंद लोगों के ऑपरेशन भी मुफ्त में करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमने जनता से वादा किया था कि हम उनके घर तक निशुल्क मेडिकल सुविधा पहुंचाएंगे, जिसे अब हम पूरा भी कर रहे हैं। देखिए, ये गांव में बहुत ज़रूरत है मेडिकल कैंप्स की, क्योंकि यहाँ पे स्पेशलाइजेशन डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं हैं। गांव के लोग कभी एक मुशक्क़त नहीं करते हैं कि जाके शहर में किसी स्पेशलाइज्ड डॉक्टर को दिखाएं। तो आज आपके पास यहाँ डॉक्टर्स आए हैं, बहुत ही स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, और अपने आप में बहुत बड़ा नाम रखते हैं सारे डॉक्टर्स। कैंसर एक्सपर्ट्स हैं यहाँ पर, ऑर्थोपेडिशियंस हैं, डॉक्टर आर्य हैं जो आइज़ के स्पेशलिस्ट हैं, गायनी के डॉक्टर हैं मौलाना से, और हर तरह के डॉक्टर्स, हर बीमारी की दवाई है डॉक्टर्स हैं हमारे पास। जो वैन है हम चल रही है, हर मेडिकल कैंप में होती है, उसमें सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। लोग अपने सारे जांच कराते हैं, चाहे डायबिटीज़ है, चाहे और भी कोई टेस्ट है, सब करवाते हैं। हमारे लोगों से एक ये वादा था कि हम उनके घरों तक उनको ये मेडिकल सुविधा पहुँचाएँगे, और उसी के तहत हम आज ये कैंप्स गाँव में लगा रहे हैं, और ये हर हफ्ते हर इतवार को ये कैंप लगते हैं। और जो भी कोई पेशेंट्स जिनकी आईज़ में मोतियाबिंद है या लेंस की ज़रूरत है, उनकी सर्जरी भी करवाई जाती है। डॉक्टर आर्य आज भी मेरे से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैडम, जितने भी पेशेंट्स आए आप प्लीज़ मेरे पास भेजिए, मैं चाहता हूँ कि सबकी आँखें मैं दुरुस्त कर दूँ। तो मैं बहुत दिल से उनका आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि वो हर कैंप में मौजूद होते हैं और बड़ी शिद्दत से वो पेशेंट्स को देखते हैं। करनाल में 32 साल पहले कश्मीर से विस्थापित होकर करनाल आए कश्मीरी पंडितों के परिवारों ने सामूहिक हवन यज्ञ किया है। कश्मीर से आए इन परिवारों की ये परंपरा बीते करीब 30 साल से जारी है। साल में एक बार कश्मीर से आए परिवार एकत्रित होते हैं और हवन करते हैं और एक दूसरे के सुख दुख साझा करते हैं। देश भर के सिनेमाघरों में दिखाई जा रही कश्मीर फाइल्स फिल्म ने इन कश्मीरी परिवारों के दर्द को लोगों के सामने उजागर किया है।
नूह में बिजली विभाग का अल आफिया अस्पताल पर करीब 25 लाख रुपए का बिल बकाया है। इसके अलावा बिजली निगम के उपमंडल नगीना के करीब 113 गांव में करीब 2.5 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। बिजली निगम के उपमंडल अभियंता ने बताया कि उपमंडल के 113 गांव और 31 ढाणियां हैं और ट्यूबवेल कनेक्शन करीब 2600 और घरेलू कनेक्शन करीब 26,000 है। मंडीखेड़ी और अल आफिया अस्पताल पर फिलहाल 25 लाख रुपए बिजली का बिल बकाया है। इसके अलावा सिंचाई विभाग के पंप हाउस पर करीब 10 लाख रुपए बकाया है। उन्होंने बताया कि करीब 10 सरकारी विभागों और 8 निजी लोगों पर 1-1 लाख यानी कि करीब 18 लाख बिजली का बिल जो है वो बकाया है। अगर समय रहते बिल नहीं भरे गए तो नोटिस जारी किया जाएगा। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि ज्यादा से ज्यादा घरों पर बिजली का कनेक्शन लगवाएं। गुरुग्राम के एमजी रोड पर अश्लीलता के नंगे नाच को रोकने के लिए अब आरडब्ल्यूयू भी आगे आ चुका है। इंडिया न्यूज़ की खबर का असर हुआ है और ऐसे में आरडब्ल्यूए के सदस्यों को एक उम्मीद जगी है कि अब एमजी रोड पर इस तरह की अश्लीलता पर नकेल कसी जाएगी। इंडिया न्यूज़ पर प्रमुखता से खबर को चलाने के बाद पुलिस भी हरकत में आई है और पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। गुरुग्राम के सबसे पॉश एरिया यानी कि एमजी रोड में एक बार फिर जिस की मंडी सजने लगी और जब इंडिया न्यूज हरियाणा की टीम पहुंची तो उसके बाद जो वो लड़कियां हैं या फिर महिला वो भागना शुरू हो गए और साथ ही साथ गुरुग्राम पुलिस मुख्य दर्शक बनकर देखती नजर आई। यही है एमजी रोड का इलाका है जहां पर रात 8 बजे के बाद जिश्म फरोशी का जो धंधा है वो फलता फूलता नजर आता है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ जो अलग अलग सेंटर जो लड़कियां हैं वो खड़ी होती हैं और इसका विरोध आज जो रेजिडेंस है यहाँ के वो विरोध कर रहे हैं। उनसे मैं बात करूंगा किस तरीके की ये इनको चुनौतियों के बीच रहने के लिए मजबूर है। सर किस तरीके से आप देखते हैं एक बार फिर एमजी रोड पर वैश्यवृत्ति शुरू हो गई है, इसका आप लोगों ने पहले भी विरोध किया था? बिल्कुल, बहुत अच्छी तरह से और आपके चैनल ने उसको सपोर्ट किया था, खूब अच्छे से रन किया था, सरकार प्रशासन तक ऊपर पहुंचाया था, लेकिन अब मुझे फिर ढिलाई नज़र आ रही है और अब फिर शुरू हो गया। और आपकी रिपोर्ट बड़ी बहादुरी वाली रिपोर्ट थी रात की, इतना बड़ा रिस्क लिया एज ए पत्रकार आपने। ये हमारे लिए एक ऐसा मौका है जिसको हम चूकना नहीं चाहते और सरकार को ये रिक्वेस्ट करेंगे कि और प्रशासन को रिक्वेस्ट करेंगे और पुलिस को रिक्वेस्ट करेंगे कि इसको इमीडिएटली बंद कराए और हम लोगों को यहाँ रहने दें। हम लोगों ने लाखों करोड़ रुपए खर्चा करके मकान लिया है, हमें पीस ऑफ माइंड चाहिए, हम सड़क पे उस तरह से चल सकें जैसे एक आज़ाद नागरिक चलता है। थैंक यू। तो बिल्कुल जिस तरीके से करोड़ों रुपए के इन्होंने अपने सपनों के जो आशय नहीं थे वो एमजी रोड पे लिए थे, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं ये सफ़र करते नजर आ रहे हैं, एक डर के साए में ये अपनी ज़िंदगी जीने के मजबूर है। क्योंकि जिस तरीके से आज शाम 8 बजे के बाद यहाँ पर जिस्म की जो मंडी लगती है उसके बाद कहीं ना कहीं इनको एक डर के माहौल के बीच रहना पड़ता है। मैम क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, हम लोग ने लाखों करोड़ों रुपए लेके खर्च करके ये घर लिया कि यहाँ सामने आमने सामने 3-4 मॉल्स हैं कि हम लोग आराम से घूम सके आए, कोई हमारे गेस्ट भी आते हैं उनको भी लेके आना चाहते हैं, लेकिन 10 बजे के रात के बाद बहुत मुश्किल है चलना, एकदम नहीं चल पाते हम लोग और बहुत शर्मिंदगी होती है। वो कहते हैं कि आप गुड़गांव में कहाँ रह रहे हो, आके देखते हैं उन लोग और जब उनके सामने ये सब होती है हरकतें तो बहुत शर्मिंदा भी होते हैं। आप एक महिला हैं, किस तरीके से देखते हैं और पहले भी आप लोगों ने प्रोटेस्ट के मार्फत जिला प्रशासन को या फिर सरकार तक अपनी मांगे हैं जो आवाज़ है वो उठाने का काम किया था, लेकिन एक बार फिर उन चीज़ों को दोहराया जा रहा है? बिल्कुल, जब हमने पहले आवाज़ उठाई थी काफ़ी हद तक शांत हो गया था, बिल्कुल सही माहौल हो गया था, लेकिन आपका कल न्यूज़ देखने के बाद हमें फिर लगा कि ये फिर से धंधा शुरू हो गया है और अब बहुत मुश्किल हो रहा है दुना और ये चीज़ देखना बहुत मुश्किल है। कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस की जिम्मेवारी बनती है इन तमाम चीज़ों के बीच में, एक सवाल निशान जरूर खड़ा होता है। बिल्कुल बिल्कुल बनती है, बिल्कुल बनते हैं और कुछ हद तक वो कर भी रहे हैं लेकिन कितना हद तक जा रहे पता नहीं। गुरुग्राम से संजय राठौर, इंडिया न्यूज। खबरों में आगे बढ़ते, नेशनल हाईवे 19 पर गश्त के दौरान पलवल की तरफ से तेज रफ्तार से आ रहे एक कैंटर ने पीसीआर गाड़ी पर टक्कर मार दी है जिसमें पीसीआर में मौजूद 2 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। कैंटर चालक कैंटर को मौके पर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस ने कैंटर को कब्जे में लेकर घायल पुलिसकर्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया है। पुलिस ने कैंटर चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। फिलहाल पुलिस जो है आगे की तफ्तीश में जुटी हुई है।
खबर रोहतक से है, जहां पर ऑटो और प्राइवेट बस की टक्कर हो गई है और एक ही परिवार के दो लोगों की इसमें मौत हो गई है। ऑटो वाहन सावड़ से रोहतक सुनरिया गांव जा रहा था और ऑटो में सवार थे आधा दर्जन लोग और एक ही परिवार के ये लोग बताए जा रहे हैं। ओवरटेकिंग के जरिए यहां पर हादसा हो चुका है और ऐसे में हादसे में एक ही परिवार के दो लोगों ने अपनी जान गंवा दी। तो वही तोशाम में अच्छे उत्पादन और उचित भाव मिलने के आस लगाए बैठे क्षेत्र के किसानों ने रबी के मौसम की मुख्य यहां पर फसल सरसों की कटाई जोर शोर से शुरू कर दी है। कटाई के दौरान किसानों में भारी उत्साह दिखाई दे रहा है। छोटे से बड़े और महिला और पुरुष सभी कटाई में जुटे हुए हैं और अच्छे मौसम के बीच में ही हुई अच्छी वर्षा की वजह से किसानों को सरसों की फसल से काफ़ी उम्मीद है। किसानों को कहना है कि कटाई के दौरान उन्हें लग रहा है कि इस बार सरसों का उत्पादन अच्छा होगा क्योंकि परिस्थितियां सरसों की फसल के अनुकूल रही हैं। बाईस जिले 22 खबरों में फिलहाल बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा।